नमस्ते, वेलकम टू भूपेंद्र किचन। आज मैं आपको मिलेट की रोटी बनाने का एक डिफरेंट मेथड बताने जा रहा हूँ, जिससे आपकी जो रोटी है वो इजी भी बनेगी और सॉफ्ट भी होगी, और ये खाने में बहुत क्रिस्पी भी होगी। ये डोसे की शेप में बनता है और ये आपको डोसे की तरह ही लगेगा रोटी। तो इसको बनाने के लिए प्रोसेस हम जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बर्तन में 1.5 कटोरी जो है हमने कोदो मिलेट का आटा ले लिया। आटा जो हमने मैंने बनाने का प्रोसेस कैसे हमें बनाना है उसकी जो वीडियोस हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद हमने इसमें पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद हम इसको विस्कर की मदद से हम इसको धीरे धीरे मिक्स करेंगे। ध्यान आपको ये रखना है कि पानी जो है एक बार में ना डालें, धीरे धीरे करते जाएँ। जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ते जाओ इसको अच्छे से आप मिक्स करते जाएँ। तो जैसे हम दोबारा इसमें हम पानी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे, तो ये जो हमारा मटेरियल जो है वो काफ़ी हमारा स्मूथ हो गया। बट अभी ये थोड़ा सा थिक है तो इसमें हम फिर से थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद हमें इसको अब फिर से मिक्स कर देना है। तो आप जो इसके थिकनेस है वो ध्यान से आप देखें कि हमें इतना थिकनेस कम से कम चाहिए, जिससे हमारी जो रोटी है वो जो ये मटेरियल है वो अच्छे से तवे पर स्प्रेड हो सके, ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो। तो इसके बाद हम इसमें अब थोड़ा सा हमने नमक डाला हुआ है। नमक डालने के बाद हम इसको फिर से मिक्स कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारी कंसिस्टेंसी जो है मटेरियल की बहुत अच्छी हो चुकी है। तो अब इसको हम रोटी बनाने के लिए हमने एक तवे पे हल्का सा घी ऐड कर लिया ताकि ये इसमें स्टिक ना हो। आप घी की जगह आप तेल भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें एक बर्तन की मदद से हमने इसमें ये सारा देखिए आप धीरे धीरे फैला देंगे इसमें। जब आप इसको तवे पे डालेंगे तो इसका जो फ्लेम होगा वो लो पे आप रखेंगे। उसके बाद सारा मटेरियल डालने के बाद आपने इसको ढक देना है। तब आप इसको फ्लेम को जो है हाई पे रख दें। 1 से 2 मिनट के बाद आप इसको चेक करेंगे तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा मटेरियल है नीचे से अच्छे से हो चुका है, पक चुका है। अब इसको स्पैचुला की मदद से आप धीरे धीरे इसको दूसरी साइड हमें निकालना है। तो ध्यान से निकालें तो दूसरी साइड आप देख रहे हैं जैसा कि हमने पलट दिया इसको, एक साइड जो है हमारा वो देखिए कितने अच्छे से पक चुका है। अब इसको दूसरी साइड भी अब इसको आप थोड़ी देर अच्छे से पकने दें ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से पक जाए। तो ये हमारी कोदो की रोटी बनके रेडी हो चुकी है, जिसको हमने भिंडी की सब्जी के साथ सर्व किया हुआ है। तो इस मेथड से आप रोटी बना के देखें और आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं तो आपको ये बनाने में कैसी लगी। थैंक